पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या चल रहा है, ये हर किसी को जानना चाहिए। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के अनुसार पंजाब सरकार अपना लोन नहीं चुका पा रही है। जनवरी 2023 में पंजाब सरकार 600 करोड़ की किस्त नहीं भर पाई। ये कोई पुराना लोन नहीं था, किसानों की कर्ज माफी का चुनावी वादा पूरा करने के लिए इसी सरकार ने लिया था। कुछ दिन बाद ही पंजाब मंडी बोर्ड ने अपना लोन डिफॉल्ट कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार ने 3,200 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास फंड जारी ही नहीं किया। राज्य सरकारें ऐसे अधिकांश लोन सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से लेती हैं। आप एक 500 रुपए की ईएमआई देना भूल जाएं, तो यही बैंक वाले आपके घर वसूली एजेंट भेज देंगे, आपका सीबिल स्कोर खराब कर देंगे। लेकिन कर्ज माफी करने के लिए या मुफ्तखोरी करने के लिए कोई सरकार कर्ज लेगी और नहीं चुकाएगी तो किसी की कुर्की नीलामी नहीं होगी। उस सरकार के कर्ता धर्ता आराम से घूमेंगे और नए नए राज्यों में लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते रहेंगे। सरकारों के लोन ना चुकाने पर कहीं कोई हंगामा नहीं होगा, क्योंकि इस पैसे से ही मीडिया को भी विज्ञापन मिलता है। बैंक को उसके 600 करोड़ रुपए वापस नहीं मिलेंगे तो वो किसी को उद्योग लगाने के लिए कर्ज नहीं दे पाएगा। उद्योग नहीं लगेंगे तो प्रदेश के युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, वो अपने किसान पिता की जमीन बिकवाएगा और किसी एजेंट को लाखों देकर कनाडा या यूरोप चला जाएगा और वहां पर एक अपमानित जीवन जिएगा। उद्योग नहीं लगेंगे तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार और कर्ज लेगी। इस प्रकार ऊपर बताया दुष्चक्र बार बार दोहराया जाता रहेगा। धीरे धीरे भारत भी श्रीलंका हो जाएगा। भूमि विहीन, पुत्र विहीन वो किसान जब अंतिम समय में आंख मूंदेगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि कर्ज लेकर ना लौटाना अनैतिक और अपराध होता है। आज उसके साथ जो हो रहा है वो उसके ही लालच का परिणाम है। वो ये रहस्य कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि समाजवादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती हैं कि लोग अपने दुखों और समस्याओं का वास्तविक कारण कभी समझ ना पाएं। सब झूठ झूठ खेल रहे हैं। झूठ कि बिजली मुफ्त हो सकती है, कि कर्ज लेकर ना लौटाने का विकल्प सदैव उपलब्ध है, लेकिन इस झूठ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न निर्धनता सत्य है। समाजवाद ने हमारे चार सबसे उद्यमशील समाजों का सर्वनाश किया है। ये चारों हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात। इन्हीं समाजों के लोग सबसे अधिक पलायन करते हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोग देश से बाहर, जबकि बिहार के लोग देश के अंदर। आंध्र और पंजाब के लोग अब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता का प्रयोग देश से बाहर जाने के लिए करते हैं, पलायन के नए नए उपाय ढूंढते हैं। गुजरात ने सबसे पहले कांग्रेस को बाहर किया और आज वो सबसे अच्छी स्थिति में है। बिहार अभी भी कंफ्यूज्ड है, परिणाम स्वरूप स्ट्रगल कर रहा है। पंजाब और आंध्र अभी भी समाजवाद की चरस फूंक रहे हैं, इसीलिए अपनी पीढ़ियों के विनाश की ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। पंजाब और आंध्र प्रदेश अब ईसाइयों के चंगुल में है, पैटर्न स्पष्ट है। पहले समाजवाद आएगा, फिर पादरी आएगा गरीबों को बचाने और गॉड से मिलवाने। स्वतंत्रता के बाद हमारे अधिकांश कष्टों का कारण कांग्रेस जनित समाजवाद है, और इधर हमारे तथा कथित हिंदू नेता हैं जो कहते हैं कि हम भी समाजवादी हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।